नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सर्विस बुक ऑनलाइन कैसे करते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में ihrms.raj.nic.in टाइप कर दीजिए। इससे आप सीधे ही एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली वाले पेज पर पहुंच जाओगे। सर्विस बुक ऑनलाइन करने के लिए हमें बहुत सारी जानकारियों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम PIS फॉर्मेट की PDF फाइल डाउनलोड कर देंगे। पेज ओपन हो गया है, आप डाउनलोड में जाइए, PIS फॉर्मेट पर क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर दीजिए। 23 पेज की PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसमें सभी प्रकार की जानकारियाँ जो हमारे सर्विस के संबंधित हैं वो भरनी है। PDF फाइल के Part 1 में आपकी पर्सनल जानकारी जैसे डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रिलीजन्स, बहुत सारी जानकारी है वो भर देंगे। एंट्री में कोड दिए गए कोड ही भरने हैं, तो इसके लिए आपको एक इंडेक्स सबसे पीछे वाले पेज पर दी हुई है, तो आप वहां पर इंडेक्स पे जाए और अपने संबंधित कोड को चेक कर लीजिए। A6 के लिए कैटेगरी है, तो आप जिस कैटेगरी से संबंधित हो उसके कोड देख लीजिए। जनरल के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 3, OBC के लिए 4। इसी तरह आप A8 के लिए कोड चाहिए तो आप वापस सारणी में जाइए और A8 से संबंधित आप कोड देख लीजिए। जब आप ये जरूरी जानकारियाँ आप पहले से इकट्ठा कर लेंगे, तो हम ये सर्विस बुक ऑनलाइन करने का काम बहुत आसानी से कर लेंगे। दोस्तों, सर्विस बुक ऑनलाइन करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी। सर्विस बुक ऑनलाइन में 24 प्रकार के कॉलम हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ फीड करनी पड़ेगी। कुछ तो जानकारियाँ पहले से ही अपनी प्रोफाइल से वह ले लेगा और कुछ जानकारियाँ भरनी पड़ेगी। अपन ID लॉगिन कर लेते हैं। अगर आप पहली बार लॉगिन हो रहे हैं तो आपकी एम्प्लॉयमेंट ID ही आपके पासवर्ड होंगे। अगर आपको लॉगिन होने में कोई दुविधा हो रही है या ID इनवैलिड बता रहा है, तो आप हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी जरूर सहायता करेगा। एक बार लॉगिन होने के बाद में आपको सबसे पहले पासवर्ड चेंज करने पड़ेंगे, तो पासवर्ड चेंज की खिड़की ओपन होगी। जरूरी बात यह है कि आपको पासवर्ड जिस फॉर्मेट में दिए हुए उस फॉर्मेट में बनाने पड़ेंगे। चेंज पासवर्ड वाली खिड़की ओपन हो गई है। इसमें आप करंट पासवर्ड में आप एम्प्लॉयमेंट ID ही भरेंगे और न्यू पासवर्ड में आप पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक न्यूमरिक कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। इस तरह से आप 8 डिजिट का पासवर्ड बनाएंगे, तभी आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। कम से कम 8 डिजिट वाले पासवर्ड आप बना लेंगे तो आपकी प्रोफाइल आसानी से बन जाएगी। हम पासवर्ड में दोबारा वही पासवर्ड डाल दीजिए। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आप क्लिक करेंगे तो आप एक खिड़की खुलेगी, उसमें सबसे पहले आपको ईयर चुनना पड़ेगा, फिर मंथ, फिर डे। दोस्तों, ये तो बहुत सरल है, जरूरी बात तो ये है कि आप अपने सर्विस से संबंधित जरूरी डाटा, ऑर्डर नंबर, कई तरह की जानकारियां वह इकट्ठा कर लोगे तो आपकी सर्विस बुक ऑनलाइन हो जाएगी। देखिए, डेट ऑफ बर्थ वाली खिड़की खुल चुकी है,
सबसे पहले ईयर चुनोगे, आप किस ईयर में पैदा हुए हैं, फिर मंथ और डे। बाद में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर दीजिए और उसका आंसर भर दीजिए। और अब नीचे आप कोड भर दीजिए 6982 और सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आपकी एक प्रोफाइल जनरेट हो गई है। लॉगिन होते ही एक पेज ओपन होगा, उसके ऊपर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी जानकारियाँ आपकी है तो आप लॉगिन हो चुके हैं। ये देखिए 24 प्रकार की इंडेक्स बनी हुई है, इसमें आप अपनी जानकारियाँ फिल कर सकते हैं जो आपने इकट्ठा की है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।